दोस्तों आज OTT पर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो आज हम सबसे पहले जो रिव्यू करेंगे वो है सोनी लीव की वेब सीरीज चुदस पाको। और रिव्यू करने के साथ साथ आपको बताएंगे कि इस सीरीज में क्या था खास और क्या था बकवास। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फ्रेंड्स, बात करें अगर इसकी स्टोरी की, तो इस सीरीज में आपको 5 अलग अलग स्टोरी देखने को मिलती है। इसमें आपको एंथोलॉजी तो देखने को नहीं मिलती है, ना ही किसी स्टोरी का किसी और स्टोरी से कनेक्शन है, बट इन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है वेब वर्ल्ड। और जिस तरीके से यहाँ पर कहानियों को प्रेजेंट किया गया है उसको देखकर तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा कदम है इंडिया में इस टाइप का जोनर बनाने का। जो कंटेंट और जो थीम आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलती है वो बहुत कमाल की है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि सोशल मीडिया बना तो था लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन इसी सोशल मीडिया से लोगों की ज़िंदगी कैसे ख़राब हो रही है इसमें इसे बखूबी दिखाया गया है। इसकी स्टोरी मुझे माइंड ब्लोइंग लगी है और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर। दोस्तों, बात करें अगर एक्टिंग की, तो वरुण शर्मा ने यहाँ पर गजब की एक्टिंग की है। फाइनली उन्होंने अपनी चूजा वाली इमेज को यहाँ पर तोड़ दिया है। मंजोत सिंह ने यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा शर्मीला है पर अच्छा है। बाकी कलाकारों ने भी यहाँ पर अच्छी एक्टिंग की है। बात करें ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर PC के, लैपटॉप के और चैट के सीन दिखाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। BGM की बात करूँ तो इस सीरीज़ का BGM भी काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो इसको क्रिएट किया है मिर्जित सिंह लामा ने, और फुकरे की तरह ही यहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त डायरेक्शन किया है। इस सीरीज में आपको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिनकी लंबाई 30 मिनट की, और जो लास्ट वाला एपिसोड है वो 45 मिनट्स का है। अब आते हैं सीरीज के नेगेटिव पॉइंट पर। तो पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है कि ये सीरीज सबके लिए नहीं है, खास करके वो लोग जिनको मसाला देखना पसंद है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज को थोड़ा और कनेक्टिंग करना चाहिए था। अगर बात करूँ पेरेंटल गाइडलाइंस की, तो ये सीरीज फैमिली सीरीज नहीं है। इस सीरीज को मैं दूंगी 7/10। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा रिव्यू सोनी लीव की वेब सीरीज चुदस पाको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।